नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरडी टेक्निकल का चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे आईफोन 12 और आईफोन 15 की कंपैरिजन, कौन से बेटर है इसमें फीचर के मामले में। चलिए शुरू करते हैं। यह है आईफोन 12। आपको इधर देख रहे हैं, इसमें आएगा कुछ 6.1 इंच स्क्रीन आएगा, एक तरह की XDR डिस्प्ले, सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले जो एप्पल इसको नाम दिया है। एक्चुअली वो डिस्प्ले है आपको OLED डिस्प्ले में दिया गया है और एप्पल इसको बुलाता है कि XDR डिस्प्ले है, एक तरह की OLED डिस्प्ले होता है। दोस्तों आईफोन 12 का स्क्रीन साइज आएगा 6.1 इंच स्क्रीन और आपको मिलेगा इसमें 460 फ्रेम पर PPI मिल जाएंगे। PPI का मतलब है पिक्सल पर इंच, जो है आपको डिस्प्ले में 460 PPI आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको मिलेगा मैक्स टू मैक्स 1200 ब्राइटनेस आपको मिल जाएंगे, निट्स जो होता है 1200 मैक्स टू मैक्स निट्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों ये अब इसमें आपको चिपसेट आएगा, दुनिया का फास्टेस्ट चिपसेट है, आपको कभी तक आपको एप्पल का टक्कर देने का अभी तक चिपसेट नहीं बन रहा है। इसमें आएगा आपको A14 बायोनिक चिपसेट आपको इसमें मिल जाएगा। इसका जो कैमरा है आपको बैक से ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलेगा, इसमें आईफोन 12 में आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, आपको दोनों कैमरा है और 12 मेगापिक्सल कैमरा है, आपको फ्रंट में जो कैमरा मिलेगा आपको वो भी 12 मेगापिक्सल कैमरा ही आएगा। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, आपको 4K वीडियो तक रिकॉर्ड कर सकते हो, अप टू 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें वीडियो करने के टाइम आपको डॉल्बी विजन में भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगा, अप टू वो भी 60fps तक हो जाएगी। और आपको इसमें मिलेगा IP68 सर्टिफाइड फ़ोन आपको ये मिलेगा। और अब जो है आईफोन 15 मेरे पास है, ये आईफोन 15 कैसे डिफरेंट है आईफोन 12 से, चलिए जानते हैं। इसमें मिलेगा आपको मेन थिंग, आपको मिलेगा इसमें 48 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा, मेन चीज़ आपको बैक साइड आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। और इसमें टेक्सचर डिज़ाइन मिलेगा आपको बैक साइड, और इसमें देख सकते हैं आप, आपको जो भी डायनामिक एमोलेड इसमें जो मिलेगा। अगर मैं कंप्लीट फीचर की बात करूँ आईफोन 12 को कंपेयर कर से, अब इसमें मेन कैमरा जो है 48 आपको बैक साइड कैमरा मिलेगा, दूसरा कैमरा जो है आपको 12 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाएगा, फ्रंट में आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल वो भी, मतलब इसमें फोन में तीन कैमरा जो है उसको फ्रंट में आपको 12 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा और बैक साइड और एक कैमरा है आपको 12 मेगापिक्सल और मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाएंगे। और इसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, अप टू 60fps तक आपको 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो वो भी इजीली। और इसमें आएगा आपको 6.1 इंच स्क्रीन, जो आईफोन 12 में 6.1 इंच स्क्रीन है वो भी इसमें सेम XDR डिस्प्ले, वो भी सब कंप्लीट सेम टू सेम होने वाली है। डिफरेंट ये है कि इसमें नीड्स थोड़ा ज़्यादा है इस आईफोन 12 को कंपेयर करके। आईफोन 12 में मिलेगा आपको 1200 नीड्स आपको मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको 2000 नीड्स आपको मिल जाएंगी। और इसका जो चिपसेट है आपको A16 बायोनिक चिपसेट मिलेगा, आईफोन 12 में आपको मिलेगा A14 बायोनिक चिपसेट मिलेगा, आपको इसमें A16 बायोनिक चिपसेट मिलेगा। और गेमिंग थोड़ा काफ़ी स्मूथ और काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि चिपसेट जो है बहुत ही कमाल का चिपसेट है। और ये भी मिलेगा आपको IP68 सर्टिफाइड फ़ोन है ये भी, और इसमें आपको IP68 का मतलब है आपको कहीं पे भी आपको पानी में गिरने के बाद अप टू 6 मीटर और हाफ एन आवर तक टाइम देता है एप्पल। इसका मानना है कि 6 मीटर तक पानी में गिर के बाद में हाफ एन आवर पे कुछ कुछ निकालेंगे तब भी आपको फ़ोन में कुछ भी नहीं होगा, ऐसा एप्पल का मानना है। और ये आपको साल्ट वाटर में अप्लीकेबल नहीं होगा, ये भी एप्पल आपको आश्वर्य। दोस्तों इसका IP68 सर्टिफाई बोल के आपको पानी में ज़्यादा यूज़ मत करिए, क्योंकि आपको एप्पल ने आपको सर्विस सेंटर में गया तो आपको चूना ही लग जाएगा, क्योंकि एप्पल वारंटी कवर नहीं होता है। IP68 सर्टिफाइड है बट एप्पल वारंटी कवर नहीं करता है, जैसे कि आपको आपका ओन रिस्क होगा आपको यूज़ करने के टाइम। एप्पल को ध्यान से यूज़ कर लीजिए आईफोन को पानी में फोटो और वीडियो शूट करने के बारे में, आपको उसको नॉलेज रहना चाहिए। आईफोन 15 स्पेशली क्यों है, इसलिए कि आपको इसमें बैक साइड जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट मैट फिनिशिंग डिज़ाइन है, और आपको इसमें फिंगरप्रिंट नहीं आएगी, और इसका कलर जो है उस कंप्लीट आइस ब्लू है, मतलब ग्लेशियर्स रहता है ना ऐसा जैसा कलर है। और इसमें डायनामिक आइलैंड दिया है आपको, डायनामिक आइलैंड क्या होता है कि कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है कॉल से जो भी आपको नोटिफिकेशन से आपको ऊपर आपको शो अप करेंगे वो पॉपअप हो जाएगा, इसका यूज़ करने का तरीका आपको अलग ही हो जाएगा, इसीलिए आपको
ये मज़ेदार लगता है यूज़ करने का। जो कोई भी सामने आपको देख रहा है आईफोन यूज़ करने के टाइम, आपको जो पॉपअप जो होता है डायनेमिक आइलैंड जो पॉपअप जो होता है वो मज़ेदार होता है। डायनेमिक आइलैंड जो है, जब मैप्स और म्यूजिक और आपको कॉल में हो, आपको एयरपॉड्स कनेक्ट करते हो, तब आपका ये डायनेमिक आइलैंड वर्क होता है और देखने के लिए काफ़ी मज़ेदार लगता है और सामने वालों के भी होश उड़ा देता है। ऐसा डायनेमिक आइलैंड आपको आईफोन 15 सीरीज में मिल जाएंगे। तो मेरे को ये फीचर बहुत अच्छा लगा कि आपको फ़ोन किधर भी घुमा रहे हो, किधर भी रख रहे हो, वो आईफोन खुद बोलता है कि मैं इधर हूँ, क्योंकि आपको देख रहे हो कि बाद में है सीरी आपको पूछ के बाद में आपको वेयर इज माय आईफोन लिखा, तो आपको ये कंप्लीट आपको डिटेल्स आ जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।